प्यार मोहब्बत में पत्नी ने पति को दिया धोखा, हुआ था प्रेम विवाह, हंसी खुशी गुजर रही थी जिंदगी। इस बीच रिश्ते में लगने वाले भांजे को दिल दे बैठी मामी, पति कमाने गया परदेश, इधर पत्नी वृद्ध ससुर को छोड़ 5 साल के बच्चे को लेकर भांजे के साथ हो गई फरार। कोर्ट में पहुंची तो पति को पहचानने से भी कर दिया इनकार। मामला बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय से जुड़ा हुआ है, जहाँ सोमवार को यह मामला प्रकाश में आया, जहां पतौना थाना पुलिस ने कांड के अपहर्ता शोभा देवी को धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज कराने हेतु न्यायालय लेकर पहुंची, लेकिन इसकी खबर गांव में पहुंच गई। मामला काफी रोचक था, ऐसे में कोर्ट में महिला का बयान होने की जानकारी लगते ही उसके ससुराल पक्ष के लोग व गाँव के लोग कोर्ट पहुँचने लगे। इस संदर्भ में आवेदक पति ने बताया कि मैं रोजी रोटी के लिए मेघालय चला गया था, घर पर मेरे पिताजी और मेरी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती थी, घर का मैं इकलौता पुत्र हूँ, मेरी पत्नी को बहला फुसलाकर कुछ खिला दिया गया है, मेरी पत्नी मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। वहीं आवेदक की बहन कल्पना देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़की मेरी भांजी भी है और भाभी भी है, मेरा भाई 6 साल पहले इस लड़की से प्रेम विवाह ही किया था जिसमें एक पुत्र भी जन्म लिया, मेरे भाई बाहर रहकर मजदूरी का कार्य करता था, घर पर पिताजी और भाभी बच्चे के साथ रहते थे, इसी बीच बहला फुसलाकर शादी करने की नीयत से मेरी भाभी का अपहरण कर लिया गया, जिसे पतौना थाना पुलिस बरामद कर बयान कराने के लिए कोर्ट लेकर पहुंची। इधर मामले में माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपहर्ता शोभा देवी को अपनी स्वेच्छा अनुसार जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दे दी कि बच्चों को उनके पिता रामकृपाल महाराज से 6-6 माह पर मिलवाएंगे व वीडियो कॉल पर भी बच्चों के पिता से बात कराते रहेंगे। न्यायालय में बयान होने के बाद अपहर्ता शोभा देवी अपने सास के साथ अपने नए प्रेमी के घर जाने लगी। इधर बच्चे के दादा और पिता अपहर्ता शोभा देवी से बच्चे को लेकर गुहार लगाते रहे, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। गाँव में रहे चले, हमारा घर में कोई नहीं, एगो हमारे भाई बाहर मेघालय में, हमारे बूढ़े बाप आई, हमारे भगिनी जी, हम एक ब्याह दा शादी सब बचपन से पालने छे, बाप नहीं छे, एक माय एक भाई नाबालिग छे, अखन एक माय के हम रखने छे, हमरा घर में लेडीज है जमाला नाम छे, जेल में घर वाला के खटेने है, अखन जेल से एक घर वाला छोड़ देने छे, छोटका बेटा गुड़गामा से कांड को कैल छे, वह पुलिस के केस है तो हमरा भाई के फाइल में छे, एक माय एक कट्ठा जमीन एक नैहर में लिख देने छे, अजनौली सासुर मोरबार एक घर वाला एक छोड़ देने छे, घर वाला के 10 साल जेल खटेलक हन, आब एक नैहर में जगह माय देने छे एक परशुराम बलराम महाराज आई औरत या 420 हमरा अंगना में जा जा के एकरा कान भर देलक हन, ई औरत है हमर भगिनी नहीं चल, हमरा बेटा के तुरिया हम ब्याह करेले छी अपना घर पर सर, एकरा सबटा शिक्षा पढ़ा के तब हमरा घर में कोई नहीं चला, हमारे एगो वृद्ध बाप या तब हमरा घर से ही उठा के लो गए एकर बेटा राधे से हम ओकर घर मोरबार जी मोरबार अजनौली के भगिना अजनौली के भगिना या हमरा एक बेटा भाई या बहिन छे ओकर हमरा एक लव मैरिज हमरा भाई से के नहीं लिया 6 साल पहले एगो बेटा छे 6 बरस के लौ के भागल हमरा घर से मोरबार के अजनौली के नाइत छी ई तीन मार्च के तीन बजे के न्यायालय कुछ नहीं कर रहा, उसका वो जो जमाला देवी है उसके सारे कुछ सिखा के भेजे इसको, वो कह रहा है लड़की के सिखा पढ़ा के अपना तरफ ला लेलक हन, लड़की क्या कह रही है, लड़की बोलते हमारा घर में 2 महीना भो गए हन, हाँ जमाला देवी 1.5 महीना से बुझा कि 1.25 महीना जेल में रहल एक तो बेल भ गेले एक हफ्ता चुप ना एक हफ्ता पहले कुतौ छ कहियो ने कुतौ कुतौ है कि मैटर भेल छले अफरन केस छल लो त चुपे भ गेल बूढ़ आदमी हम सुत कही अगला से अगना हमरा अगना सब आब छल बेटा कत रहय आ मेघालय रह छल मुंडा कमे जे तब ना। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं, ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं, साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला, तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज बेनीपट्टी बेटा बाजार नियर ग्रामीण बैंक।